आज हम बात करने वाले हैं दिल वाले मूवी को लेकर। तो दोस्तों, आपने कई सारे बड़े बड़े फिल्म देखे होंगे शाहरुख खान के, लेकिन दिल वाले मूवी एक ऐसी मूवी है जो हर किसी को दिलवाना बनाकर छोड़ती है। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। दिल वाले मूवी और बाजीराव मस्तानी, ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है, दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों, पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिल वाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिल वाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी के कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े, और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिल वाले मूवी का। यहाँ पर दिल वाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान, बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे, और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिल वाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और, इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग 70 करोड़ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह, और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे बिकॉज ऑफ द वर्ड
ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए, तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए, तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी की कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे, तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटेलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ रुपीस। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग
जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को। संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़।
65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे, और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़।
अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मंथली प्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे की इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए, तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए, तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से चबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे, तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ रुपीस। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स
एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला लेते हैं, ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे किए। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था
20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज, यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे. सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़. 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का. यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर. आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया. उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे. इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में. यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के. तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले. डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद. और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे. और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया. दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म. तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है. संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं. संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ. जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे. थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए. तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था. अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़. अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ. बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर. आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया. उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे. इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में. यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के. तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले. डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद. और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे. और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया. दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म. तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है. संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं. संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ. जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए,
संडे को शोज होने लग गए थे, थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीस हो सकती थी और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीस हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 and 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मल्टी प्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिल वाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिल वाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24
गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़, 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से चबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10 से 20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी
अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को। संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे, और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ
दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मल्टी प्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिल वाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिल वाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर
इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ रुपीज, यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को। संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3, 3.5, शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस, बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है।
नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटैलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर
बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मल्टी प्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कनेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया।
अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटैलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा, अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले 2 दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में,
गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे, तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़।
अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मल्टी प्लेक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी के कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी।
तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटेलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीस। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में, यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे, रणवीर सिंह,
प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से चबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटेलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शंस बढ़े, और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे, और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमाघर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमाघर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं।
संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर, आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मंथली टैक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ।
बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज। सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से ट्रिपल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटन द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10 से 20 प्रतिशत तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10 से 15 प्रतिशत तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को। संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़, अगर ये टेंशन ना होता
तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीस हो सकती थी और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीस हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ, बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज। सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10 से 20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25 to 30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10 से 15% तक का नुकसान बैठा है यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफकोर्स कलेक्शन बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवेन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2 से 3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था, लोगों के मन में डर भी था कि बड़े दंगे फसाद और
तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स बहुत सारों ने ये फैसला लेते हैं, ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया। दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, यानी कि आउटस्टैंडिंग तो नहीं बोल सकते हैं इस मूवी से, यानी कि दिल वाले मूवी से बहुत ही कमजोर थी, क्योंकि आफ्टर ऑल बाजीराव मस्तानी फिल्म स्टार रणवीर सिंह और उस मूवी में वरुण धवन, SRK यानी कि शाहरुख खान थे। फिर भी बाजीराव मस्तानी का स्टार्ट अच्छा था एक बड़ी फिल्म के ऑपोजिट होते हुए भी, बट नॉट दैट मच अपीलिंग और आउटस्टैंडिंग। बाजीराव मस्तानी का पहला दिन था 12 करोड़ 80 लाख, 12 करोड़ 80 लाख। सैटरडे को कलेक्शंस बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ने ही थे, बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ द माउथ इज अमेजिंगली स्टार्ट एंड अमेजिंगली फैंटास्टिक एंड हाई एंड मंथली टैक्सेस में खासकर द इंक्रीज वॉज वेरी मच विजिबल। और सैटरडे का टोटल हुआ करीब 15 करोड़ 50 लाख, यानी कि सैटरडे के इस मूवी में टोटल इंडिया में कमाए थे 15 करोड़ 50 लाख रुपए। तो 12 करोड़ 80 लाख शुक्रवार का और 15 करोड़ 50 लाख शनिवार का। संडे को कलेक्शंस और भी बढ़ गए, हालांकि देखा जाए तो संडे को टोटल कलेक्शन हुआ था 18 करोड़ रुपए। तो 12 करोड़ 20 लाख, 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविंग द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़।
यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ, बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से डबल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी, तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिल वाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीस कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीस। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शन बढ़ भी गए। टोटेलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीस। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहाँ पर दिलवाले की बात चल रही है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों, शाहरुख खान ने कुछ कॉमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट पर बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद। और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स
ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। का बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत 15 करोड़ 50 लाख एंड अप्रोक्सीमेटली 18 करोड़ ऑन संडे, विच गिविन द टोटल वीकेंड ऑफ 46.30 करोड़। यानी कि इस मूवी का जो पहला वीकेंड था वो था 46 करोड़ 30 लाख रुपए तक का। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मूवी में यानी कि बाजीराव मस्तानी मूवी में जो स्टारर थे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा और मस्तानी बनी थी हमारी दीपिका पादुकोण। जैसा कि हमने इस मूवी को रिव्यू में पहले भी कहा था कि इस फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ इतना परफेक्ट होगा, इतना इनक्रेडिबल होगा, इतना अपीलिंग होगा, जिसकी वजह से इस मूवी के कलेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और वैसा ही हुआ, बहुत बहुत इंक्रीज हुआ। बट अगेन ओनली इन द सेलेक्टेड मल्टीप्लेक्सेस ऑफ द सिटीज, सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी एंड ओवर द मल्टीप्लेक्सेस। बाकी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी नॉट बिहेव्ड वेल। और दोस्तों दिलवाले मूवी के जो कलेक्शंस थे छोटे सेंटर्स में सिंगल स्क्रीन सिनेमास में, यानी कि छोटे सिनेमास में, गांव में तो ज्यादातर सिंगल स्क्रीन सिनेमास ही होते हैं, तो छोटे सेंटर्स में एंड इवन द मल्टीप्लेक्सेस, इसकी जो बिजनेस अमाउंट थी वो ट्रिपल से ट्रिपल हो गई थी सिंगल स्क्रीन सिनेमास में। द लेसर सिंगल स्क्रीन सिनेमास में बाजीराव मस्तानी की कलेक्शंस काफी कमजोर रहे थे। तो जहां दिलवाले का 65 करोड़ तक का बिजनेस हुआ, वहीं बाजीराव मस्तानी का 46 करोड़ एंड 30 लाख का बिजनेस हुआ। दिलवाले के सामने नहीं आती बाजीराव मस्तानी तो ये 46 करोड़ 30 लाख कुड हैव गॉन अप टू प्रोबेबली 55 करोड़ आल्सो। तो दोनों प्रोड्यूसर्स ने और दोनों फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, एग्जीबिटर्स ऑफ कोर्स, रियलाइज किया होगा कि इन दो फिल्मों को एक साथ लाकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नुकसान सिनेमा वालों का भी हुआ है, नुकसान दोनों फिल्म प्रोड्यूसर्स का भी हुआ है, एंड ऑफ कोर्स नुकसान इन दोनों फिल्मों के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी हुआ है। दिलवाले मूवी और बाजीराव मस्तानी ये दोनों एक ही दिन पर रिलीज होकर दोनों फिल्मों का नुकसान इन दोनों ने किया। कहने का मतलब है दोनों मूवीज एक दूसरे की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होती है उसमें एक दूसरे का नुकसान कर दिया। अगर इंग्लिश में कहूँ तो बोथ द फिल्म्स ईटिंग द बिजनेस ऑफ ईच अदर्स। दिलवाले को कम से कम 10-20% तक का नुकसान हुआ है, और बाजीराव मस्तानी का नुकसान कुड बी अबाउट 25-30% फ्रॉम द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों पहले फिगर्स की बात करते हैं। दिलवाले का पहला दिन था 21 करोड़ रुपए तक का। हाँ जी दोस्तों, दिलवाले ने फ्राइडे को टोटल नेट रुपीज कमाया था 21 करोड़ ऑफ रुपीज। सैटरडे को इस मूवी के बिजनेस रेटिंग बहुत ज्यादा गिर गई, बिकॉज द ड्रॉप वॉज नॉट इवन अलार्मिंग। कुछ जगहों पर 10-15% तक का नुकसान बैठा है, यानी कि ड्रॉप हुआ, लेकिन कुछ जगह पर इस मूवी की कलेक्शंस बढ़ भी गए। टोटलिटी में सैटरडे का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 20 करोड़ रुपए, एंड देयरफॉर द नेट इंडिया फॉर द सैटरडे ग्रॉसिंग इज 20 करोड़ ऑफ रुपीज। यानी 21 करोड़ रुपए शुक्रवार को, 20 करोड़ रुपए शनिवार को, संडे को ऑफ कोर्स कलेक्शंस बढ़े, और संडे का नेट ऑल इंडिया टोटल हुआ 24 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली, यानी कि 24 करोड़ अप्रोक्सीमेटली ऑन संडे। सो 21, 20 एंड 24 गिवन अ वीकेंड टोटल ऑफ 65 करोड़। 65 करोड़ का पहला वीकेंड लगा दिलवाले मूवी का। यहां पर दिलवाले की बात चल रही है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम 2-3 करोड़ का हर रोज का, खास करके फ्राइडे और सैटरडे का नुकसान बिकॉज ऑफ द एजिटेशन अगेंस्ट शाहरुख खान एंड द स्टारर। आप तो जानते हैं दोस्तों शाहरुख खान ने कुछ कमेंट किया था जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब, अबाउट रिलीजियस इनटॉलरेंस विद इंडिया। उस एक बात को लेकर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे आउटफिट्स, एसोसिएशंस, ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, बहुत सारों ने ये फैसला किया कि इनकी फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि देखने नहीं जाएंगे। इसीलिए कई सारे दंगे भी हुए, तोड़फोड़ भी हुआ सिनेमाघरों में। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो ये मूवी शाहरुख खान की उस कंट्रोवर्शियल कमेंट पर
बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा बहुत सारे दंगे के। तो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दंगे फसाद होते रहे और बहुत लोगों ने दंगे किए, तोड़फोड़ की, जिस वजह से लोग सिनेमा घर तक पहुंचे ही नहीं, और अगर पहुंचते भी है सिनेमा घर में मूवी देखे बिना ही अपने घर वापस लौटना पड़ा, और दिलवाले के शोज कैंसिल करने पर मजबूर हो गए कुछ सिनेमा वाले। डर भी था लोगों के मन में, डर भी था कि बड़े दंगे फसाद, और तो उन्होंने कहा अच्छा जब सब कुछ शांत हो तभी हम देखेंगे। और तो और इस मूवी के इस दंगे फसाद के चलते सेल्फ रेगुलेशन भी कुछ लोगों ने अपनाया, दे डिसाइडेड देमसेल्फ दैट वी विल नॉट सी दिस फिल्म। तो इस बात को लेकर, इस कंट्रोवर्सी को लेकर इतना इतना ज्यादा असर हुआ दिलवाले मूवी पर कि कम से कम उस कंट्रोवर्सी की तरफ से पहले दो दिन में ही 3-3.5 शायद 4 करोड़ का नुकसान इस मूवी के मेकर्स को हुआ है। संडे को ऑफकोर्स ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल था, लेकिन अंडर कंट्रोल था पूरी तरह से ये नहीं कह सकते हैं। संडे को भी इस मूवी के कलेक्शंस अफेक्ट हुए, बट एक बात थी कि संडे को उतना ज्यादा कलेक्शन अफेक्ट नहीं हुआ। जहां पर फ्राइडे और सैटरडे को शोज नहीं हो पाए, संडे को शोज होने लग गए थे। थोड़ा बहुत टेंशन था, एकदम टेंस्ड सिचुएशन था अलग अलग जगहों पर, बट एटलीस्ट शोज लगभग सभी जगहों पर हुए। तो 65 करोड़ अगर ये टेंशन ना होता तो शायद इस फिल्म की ओपनिंग लगभग से लगभग 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकती थी, और वीकेंड इसका 70 करोड़ ऑफ रुपीज हो सकता था। अगर बाजीराव मस्तानी साथ में नहीं आती तो कलेक्शंस फिर तो बहुत ही ज्यादा होते, मे बी 80 एंड 85 करोड़। अब आते हैं दोस्तों बाजीराव मस्तानी की तरफ। बाजीराव मस्तानी की शुरुआत